भगवान श्री कृष्ण की कहानी कुछ इस तरह से है। आइए हम आपको सुनाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता। श्री कृष्ण विष्णु के आठवें अवतार माने जाते हैं। उन्हें कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव जैसे नामों से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। माना जाता है कि उन्होंने अपने जन्म से ही कई बड़े बड़े काम किए थे, जैसे राक्षसों का वध आदि। श्री कृष्ण ने गोकुल में कई लीलाएं की थी, जिनमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि शामिल है। श्री कृष्ण ने मथुरा में अपने मामा कंस का वध किया था। उन्होंने सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज्य किया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार श्री कृष्ण वन में लेटे हुए पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी एक बहेलिए ने उन्हें हिरण समझकर तीर से वार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने नदी किनारे अपना मानव शरीर त्याग कर दिया और वैकुंठ चले गए। राधे राधे।